एंड मैं हूँ किरण और फिर से आज आप लोग के सामने बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेकअप लुक लेकर के आई हूँ। आप किसी भी फंक्शन में, शादी में अगर आप रेडी नहीं हो पा रही हो तो ये तरीके से आप आसानी से अपने घर में अपने आप ही दुल्हन के जैसा मेकअप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वैसलिन का मॉइस्चराइज़र लिया है, तो अपने फेस को काफ़ी अच्छे से, फेस को, गर्दन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी दुल्हन का मेकअप करना है। उसके बाद अपने होंठ को लिप बाम से अच्छे से ग्लोज कर ले। फिर यहाँ पे कलर बार का मैंने काफ़ी अच्छा परफेक्ट प्राइमर लिया है, तो प्राइमर लगाना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि ये प्राइमर हमारे मेकअप को काफ़ी अच्छे से सेट करता है जिसकी वजह से वो पैचेज वगैरह नहीं दिखते हैं। फिर आईब्रोज से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अपने आईब्रोज को फिल कर ले। आईब्रोज को फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आईब्रो पेंसिल, कलर बार का ब्राउन शेड है, तो काफ़ी अच्छे से आईब्रो को फिल कर ले। और फिर इसके पीछे ब्रश है या फिर इस तरह के ब्रश से भी काफ़ी अच्छे से इसको शेड दे सकते हैं। आईब्रोज को फिल करने के बाद हमारी बारी आती है आंखों के मेकअप के लिए। तो आंखों के मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने कलर बार का फ्लॉलेस फुल कवर कंसीलर का इस्तेमाल किया है आंखों के बेस के लिए। आंखों का बेस सबसे पहले हम रेडी करेंगे, तो ऑलरेडी सबसे पहले इसका बेस रेडी करें आंखों का, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई भी आई शेडो आप लगाओगे तो बहुत ही उभर के खिल के आता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही पतला ब्रश लिया है और ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छे से आंखों के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे से ये कंसीलर लगा ले। और आईब्रोज़ के अगल बगल में अगर आईब्रोज़ को हाईलाइट करना है तो वहाँ पे भी कर लेंगे, हम करेंगे फुल मेकअप करने के टाइम पे भी करेंगे एक बार। तभी सबसे पहले हम आई मेकअप से शुरू किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पेशली आज आई मेकअप का ही वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो लिया है कंसीलर, वो ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छे से आँखों के नीचे आईब्रोज़ के अगल बगल भी लगा लिया है। तो काफ़ी अच्छे से इस तरह से सब जगह लगा करके मर्ज करना होता है, बहुत ज़रूरी है मर्ज का स्टेप, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फिर मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमने ब्रश लिया, पाउडर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर कोई सा भी आप ले ले और उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कंसीलर को सेट करना होता है, तभी जा करके हमारा खूबसूरत सा इसके ऊपर आई शेडो उभर के दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हिलेरी रोडा का आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, मैंने purple.com से ख़रीदा है, इसमें से मैंने ये वाला कलर पिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का गोल्डन शेड कलर है, हल्का ब्राउनिश भी और उसका गोल्डन शेड भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रीज एरिया को हाईलाइट करेंगे, क्रीज एरिया को लेकर के यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का लेना है, बिल्कुल एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले ले। और ब्रश में जब आप आई शेडो उठाओ तो हल्का सा ब्रश को टैप कर दो, झाड़ दो, तब जा करके आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आएगा आई शेडो और काफ़ी अच्छे से लगेगा। और इस तरह से ले करके सर्कुलर मोशन में आपको काफ़ी अच्छे से मर्ज करना है, बहुत ही अच्छे से टाइम दीजिए और बिल्कुल एक शेड तैयार कीजिए, एक साथ ही ज़्यादा नहीं ले ले, थोड़ा थोड़ा ले करके टाइम ले करके अच्छे से ब्रश को मिला लीजिए काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मैबलिन न्यूयॉर्क का काफ़ी अच्छा सा काजल है ये, और काजल से हम इसका बेस रेडी करेंगे। तो ऑलरेडी हमने इसका जो है क्रीज एरिया को कर लिया है, तो अब हम स्मोकी आइज़ रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का मैबलिन का लिया है, आप अगर जो भी कलर का रेडी करें, जैसे ब्लू कलर का रेडी कर रहे हैं तो ब्लू कलर का यहाँ बेस रेडी करें, ब्लू कलर का काजल ले, ब्लू कलर का आपको लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कलर का आप यूज़ कर रहे हैं, ब्लू कलर का काजल, चाहे ब्लू कलर का, चाहे रेड कलर का, जो भी कलर का स्मोकी आइज़ बनाना चाह रहे हैं उस कलर का बेस रेडी करके, तो यहाँ पर मैंने ब्रश की मदद से काजल को काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं आईलिड के ऊपर लगा लिया है। और फिर काफ़ी अच्छे से इसको मर्ज करने की बारी आती है, मर्ज करने वाला स्टेप बिल्कुल भी ना भूले, मर्ज करने से ही अच्छा दिखता है, नहीं तो पैची पैची दिखेगा काफ़ी ज़्यादा, तो मर्ज कर ले। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर बार का काफ़ी अच्छा से एक कलर इसमें से उठाना है मुझे, यहाँ पे इसके पहले मैंने गोल्डन शेड लिया था, अभी मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, तो ब्लैक शेड लेकर के ये जो मैंने ब्लैक कलर का काजल लगाया था उसके ऊपर से ही इसको शेड रेडी करेंगे। एक साथ बिल्कुल ज़्यादा कलर नहीं ले ले, थोड़ा थोड़ा कलर लेते हुए, जब तक कि मेरा डिज़ायर कलर, जब तक कि मेरा डार्क ब्लैक कलर नहीं मिलेगा तब तक मैं ब्रश में थोड़ा थोड़ा लेकर के इसको मर्ज करते जाऊँगी, लगाते जाऊँगी। और ये दोस्तों यहाँ पे आई शेडो, स्मोकी आइज़, चाहे कोई सा भी आप आई शेडो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं आइज़ का, तो टाइम ले करके कीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी में ना करिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पैचीनेस दिखेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते जाएं और जब तक आपको डिज़ायर आपका कलर ना मिले तब तक लगाते जाएं। तो फिर से मैं ऊपर वाला कलर जो है, जो मैंने क्रीज एरिया पर लिया था, उसको लेकर के थोड़ा सा उसको लेकर के मर्ज कर दे रही हूँ ताकि ऊपर भी काफ़ी अच्छे से मर्ज दिखे, बिल्कुल भी अलग सा कलर ना दिखे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से दोनों ऊपर नीचे कलर मर्ज हो चुका है। तो
अभी मुझे नीचे का और डार्क शेड चाहिए, तो मैं इसके ऊपर और ब्लैक कलर का जो हमने आई शेडो लिया था अभी कलर बार का, उसका लेकर के सेम लेकर के मर्ज कर दे रही हूँ यहाँ पे। सर्कुलर मोशन में इस तरह से करिएगा तो काफ़ी अच्छे से कलर मर्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे लैक्मे का 9 to 5 हम लेंगे लाइनर। तो ऑलरेडी आई शेडो आप देख सकते काफ़ी अच्छा लग चुका है, तो लाइनर लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं विंग आईलाइनर लगाऊंगी। विंग आईलाइनर कैसे लगाते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आऊँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी कि विंग आईलाइनर कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है। अब आती है बारी काजल की। तो यहाँ पे कलर बार का खूबसूरत सा ब्लैक कलर का काजल है, बहुत ही डीप ब्लैक है। तो काजल लगा लेते हैं अपने लोअर लैश लाइन में। देखिए काफ़ी अच्छा काजल लगा है। और फिर सेम कलर हमने जो आई शेडो के ऊपर यूज़ किया है, सेम कलर से नीचे लोअर लैश लाइन में भी हम शेड डालेंगे। तो सबसे पहले गोल्डन शेड ले लेते हैं और छोटे वाले ब्रश से कोशिश करें इस तरह से मर्ज करते हुए लगाएं। और फिर यहाँ पर ले लेंगे उसका दूसरा वाला शेड जो हमने लिया था ब्लैक कलर, कलर बार का ब्लैक शेड हमने लिया था, वो शेड पिक करके लोअर लैश लाइन को भी काफ़ी अच्छे से मर्ज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों बहुत ही अच्छा दिख रहा है, उभर के दिख रहा है, बिल्कुल स्मोकी लुक दिख रहा है। टाइम ज़रूर दे आई शेडो करने में। उसका लैक्मे का आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा लेंगे। तो यहाँ पर हम फेक आईलेसेस लगाने के पहले एक बार ज़रूर मस्कारा लगा ले अपने लैशेस में, जिससे जो हमारा डुप्लीकेट या फिर फेक आईलेसेस होता है काफ़ी अच्छे से लगता है। और लगा के सुखाने के बाद फिर यहाँ पे हम डुप्लीकेट वाला ये देख सकते हैं, मैंने ऑफलाइन कैमरा लगाया है और देखने में बहुत ही खूबसूरत सा आँख लिख रहा है। अभी पूरे फेस का मेकअप करना बचा हुआ है, तो सिर्फ ये मैं यहाँ पे आँखों का मेकअप का वीडियो दिखा रही हूँ, स्मोकी आइज़। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइटर लिया है मैंने मेबलिन का, जो कि इनर कॉर्नर आँखों के इनर कॉर्नर में इस तरह से लगा लेंगे। और हाईलाइटर से आप थोड़ा सा आईब्रो को नीचे इस तरह से भी हाईलाइट कर ले। तो बस दिस इज़ फाइनल लुक ऑफ स्मोकी आई। दोस्तों आँखों का मेकअप तो हो गया, अब आती है बारी पूरे फेस की मेकअप के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है बहुत ही अच्छा कलर बार का काफ़ी खूबसूरत सा फाउंडेशन है, जिसको हम अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे, गर्दन पे लगा लेंगे, क्योंकि दुल्हन का मेकअप है तो काफ़ी खूबसूरत तो होना ही चाहिए ना। तो दुल्हन के मेकअप के लिए अच्छे से फाउंडेशन पूरे फेस में ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ज़रूर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर ले। ऑलरेडी हमने प्राइमर पहले ही लगाया हुआ है, तो ब्लेंडर की मदद से काफ़ी अच्छे से हमने लगा लिया है फाउंडेशन को। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कलर बार का काफ़ी खूबसूरत सा हमने लिया है कंसीलर। तो कंसीलर की वजह से आप अपने डार्क सर्कल्स वगैरह जो है हाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आँखों के नीचे काले घेरे वगैरह है, नाकों के ऊपर, फोरहेड वगैरह पे काफ़ी अच्छे से कंसीलर लगा करके ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन जो है कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी अच्छे से सेट कर ले अपने ब्लेंडर कंसीलर को, फाउंडेशन को काफ़ी अच्छे से सेट करना ना भूले। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लुक दिख रहा है अभी ही। दुल्हन का मेकअप करना है तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ सेट होना चाहिए, बिल्कुल भी अलग सा ना दिखे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमने अपने फेस को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो हमारा कॉन्टोर करना बिल्कुल भी ना भूले फेस में। तो कॉन्टोर करने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने लिया था कलर बार का काफ़ी खूबसूरत सा कॉन्टोर है। और कॉन्टोर करने के बाद फेस को यहाँ पे ब्लश करना बिल्कुल भी ना भूले, दुल्हन का मेकअप है तो ब्लश करना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। तो कंटोरिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने नाकों के ऊपर भी थोड़ा सा कंटोर पाउडर लगा लिया है और काफ़ी अच्छे से मर्ज कर लेंगे। फाइनल लुक के लिए यहाँ पे हम देंगे हाईलाइटर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मेबलिन का खूबसूरत सा हाईलाइटर है, तो हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूले अपने फेस को। यहाँ पे फैन ब्रश की मदद से नाकों के ऊपर, नोज टिप पे, फोरहेड, अपर लिप, सभी जगह हाईलाइट ज़रूर करें अपने फेस को, ताकि आप एकदम दुल्हन की जैसे चमचमा के दिखे। और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से काफ़ी अच्छे से सभी को मर्ज कर लें। अब बारी बारी आती है होंठ के लिपस्टिक के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कलर बार का 001 बहुत ही खूबसूरत डीप रेड, आप देख सकते हैं हॉट रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि दुल्हन को बहुत ही खूबसूरत सा सेट आता है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फाइनल लुक आया है, आप देखिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। दुल्हन है तो दुल्हन के जैसा मेकअप करना चाहती हैं तो पार्लर में जाके बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं, तो ज़रूर देखिए ये वीडियो और आप आराम से अपने घर पे ही दुल्हन का मेकअप कर सकते हैं। तो बस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर से मिलती हूँ आपसे एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज़।